जा मेरे पीछे। वेलकम टू डीजे केक्स एंड ब्लॉग्स। हम आए हुए हैं नीलकंठ धाम। नीचे देखिए जो ये सुंदर ऐसा गेट है, इसका एंट्रेंस अंदर इतना सुंदर है, तो अंदर का और बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं वो आपको देखने मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, ये देखिए नीलकंठ धाम का ये पूरा एंट्रेंस है, और ये कलाकृति है, और ये बहने वाला झरना है। नीलकंठ धाम मंदिर भगवान नीलकंठ को समर्पित है, एक सुंदर और आकर्षक मंदिर है। यह मंदिर पोइचा गुजरात में स्थित है, जो भारत के पश्चिम भाग में है। पोइचा में नर्मदा नदी के तट पर नीलकंठ धाम का निर्माण किया गया है। तो आइए मेरे साथ में इस जादू की नगरी का पूरा दर्शन का लाभ लीजिए, क्योंकि इतना सुंदर और अद्वितीय ऐसा अनुभव आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि आप भूल नहीं पाएंगे। आँखों को एकदम तृप्त करने वाला ऐसा एक धाम है जो नीलकंठ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कब बना, किसने बनाया, कैसे पहुँचे यहाँ पे, घूमने के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं, रहने की क्या सुविधा है, खाने के लिए आपको क्या मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए इस जादू की नगरी का मेरे साथ में आप भी सफ़र कीजिए। नीलकंठ धाम स्वामीनारायण मंदिर नर्मदा नदी के तट पर पोइचा गांव में स्थित है, जो भरूच से लगभग 80 किलोमीटर और वडोदरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बड़े क्षेत्र में निर्मित सुंदर स्वामीनारायण मंदिर है और सबसे अद्भुत तीर्थ स्थलों में से एक है। गुजरात के आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। सहजानंद ब्रह्मांड नीलकंठ धाम और आसपास के दर्शन कर आप दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नीलकंठ धाम मंदिर भगवान नीलकंठ को समर्पित एक सुंदर और आकर्षक ऐसा मंदिर है। मंदिर को नीलकंठ धाम और स्वामीनारायण मंदिर नाम से दो भागों में बांटा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान नटराज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। पोइचा में नर्मदा नदी के तट पर नीलकंठ धाम का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को स्वामीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान नीलकंठ धाम मंदिर राजकोट के स्वामी नारायण गुरुकुल द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर की एक प्रतिकृति जो कि मंदिर का दूसरा मॉडल पार्टी में बनाया गया है। पोइचा धाम मंदिर का निर्माण वर्ष 2013 में किया गया था। 2014 में इस मंदिर को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। मंदिर के परिसर के अंदर एक बड़ा और सुंदर सरोवर बनाया गया है। पोइचा नीलकंठ धाम मंदिर में साल में कभी भी आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। पोइचा नीलकंठ धाम मंदिर की वास्तुकला हिंदू शैली में बनी है। नीलकंठ मंदिर करीब 105 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है। तो देखिए कितना निसर्ग रम्य ऐसा ये परिसर है, एकदम मन तृप्त हो जाता है। और अभी चलिए आपको हवेली के अंदर का भी नज़ारा दिखाती हूँ।
तो देखिए इतना सुंदर और अद्वितीय ऐसा नज़ारा है। और ये मंदिर नर्मदा नदी के पास होने के कारण आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो आइए आपको इस मंदिर में बने हुए छोटे छोटे मंदिर उसका भी दर्शन कराए। ऐसा ये स्थान है और हर वो मंदिर आपको देखने मिलेगा जो आपने कथाओं में सुना होगा। ऐसे पवित्र और सुंदर धाम नीलकंठ धाम की यात्रा आप मेरे साथ में करिए। आगे वीडियो में आपको संध्या आरती का भी लाभ मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर और अद्वितीय अनुभव होता है उसका भी, कि जो सरोवर है सरोवर के अंदर जो है नौका पे बैठ के जो है संध्या की आरती होती है वो भी एकदम अविस्मरणीय ऐसा क्षण होता है। तो आरती का आप भी लाभ लीजिए। चलिए इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और प्रवेश द्वार के पास में जो संध्या आरती होती है जिसमें होते हैं हाथी, रथ, ढोलकिया, बैंड, पवित्र ज्योति को आरती में शामिल किया जाता है और पूरे मंदिर में घूमते हुए यह नीलकंठ धाम पोईचा में एक महान आध्यात्मिक वातावरण बनाता है। तो चलिए आप भी उसका लाभ लीजिए।
मंदिर में पर्यटकों और भक्तों के लिए भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन मंदिर के खाने के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है जो कि होटल से भी कम होता है। इसके अलावा इस स्थान पर एक फूड कोर्ट भी है बनाया गया है जहां से पर्यटक फास्ट फूड खरीद सकते हैं। यह सुविधा इस मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। पोइचा मंदिर के परिसर में खरीदारी करने के लिए पर्यटकों के लिए शॉपिंग सेंटर भी उपलब्ध है। रात को इस मंदिर के लाइट शो की सुंदरता और रात की शांति का अनुभव भी आप कर सकते हैं। देखिए, हम रात होने तक रुके थे और यहाँ का जो लाइट शो है, यहाँ का जो नज़ारा है, वो देखते ही मानो आपको ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में आए हैं। इतना सुंदर और मनमोहक ऐसा ये नज़ारा है, ऐसा ये दृश्य है, तो उसका आप भी लाभ लीजिए। यह मंदिर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। सहजानंद ब्रह्मांड, नीलकंठ धाम और आसपास के दर्शन कर आप दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहिए और इस सुंदर दर्शन का लाभ लीजिए। तो ऐसी सुंदर और जादू की नगरी की सैर आपको मैंने इस वीडियो में कराई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना सुंदर और प्यारा ऐसा ये नज़ारा था और देखते ही मन को लुभाने वाली यह जगह है, तो ज़रूर विज़िट कीजिए और देखते रहिए DJ केक्सन व्लॉग्स। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।